नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन धुआंधार वाहनों के चलान काटने में व्यस्त है, वहीं सरकार और प्रशासन की सड़कों और सड़कों से जुड़ी सुविधाओं की तरफ अनदेखी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं, हादसे होते हैं, जानमाल का नुकसान होता है और होती है शिकायतों पे वायदों की सरकारी राजनीति। नमस्कार, मैं हूं रमन सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। मुद्दा है कनीना महेंद्रगढ़ अट्टेली टी पॉइंट का। इस टी पॉइंट पर तीनों दिशाओं में 90 डिग्री के कोण पर मोड़ बने हैं, जिससे टी पॉइंट पर आने जाने वाले साधन नहीं दिख पाते और अचानक सामने आने वाले साधनों में टकराव हो जाता है। वहीं हादसों का मुख्य कारण है ओवरलोड वाहनों का यहां से गुजरना, जिसके कारण बाइक सवार हादसों की चपेट में ज़्यादा आते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो गुरुवार देर रात एक ओवरलोड वाहन को टी पॉइंट पर रिफ्लेक्टर न होने के कारण मोड़ दिखाई नहीं दिया और सर्दी के इस मौसम में कोहरे के चलते वाहन सीधे खेतों में जा घुसा। गनीमत बस इतनी रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। असल मुद्दे की बात यह है कि न तो डिवाइडर है और न ही रिफ्लेक्टर, जिसके कारण वाहन चालकों को समझ नहीं आ पाता कि मोड़ कहाँ है। जब तक वाहन चालक समझ पाता है, तब तक कोई ना कोई बड़ा हादसा घट चुका होता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, सिर्फ टी पॉइंट ही नहीं, कनीना बस स्टैंड रोड पर भी डिवाइडर नहीं है। कोई अगर बात करे साधनों की आवाजाही की, तो आवाजाही इतनी है कि डिवाइडर का होना अति आवश्यक हो जाता है, किंतु साधन तो साधन, इन मूलभूत आवश्यकताओं की अनदेखी के कारण न केवल ओवरलोड साधनों की चपेट में बाइक सवार आते हैं, बल्कि अन्य साधनों के साथ साथ पैदल चलते यात्रियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। यह मास्टर कवरसेन वशिष्ठ ने इस रोड से जुड़ी हिस्ट्री बताई तो इंजीनियर हरि सिंह यादव ने स्पीड ब्रेकर का रोड पर होना अनिवार्य कहा, ताकि हादसों को कम किया जा सके। और समाजसेवी विक्रम सिंह सुंडा ने पुलिस की यातायात और टी पॉइंट से जुड़ी छवि को साफ किया। उन्होंने बताया कि कनीना रेवाड़ी टी पॉइंट बीते करीब 3 वर्ष पहले जिला पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर द्वारा टीन शेड रखवाया गया था, जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी बैठकर ट्रैफिक चालकों को दिशा निर्देश दे सके, लेकिन इसके बाद टीन शेड जर्जर अवस्था में ही होते जा रहा है। ना तो वहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और ना ही कोई कार्रवाई होती है, जिसके चलते हादसों की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर बाईपास बन जाए तो सारी समस्याएं ही अपने आप खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ओवरलोड वाहन फिर दिल्ली कोसली रेवाड़ी नारनौल जाने वाले साधन बाईपास होकर निकलेंगे और जहाँ जाम की स्थिति का होना कम रहेगा।